जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज मैं आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है, श्रीमती राधा रानी का उत्सव जन्मदिन आ रहा है, जो कि 11 सितंबर को है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे श्री राधा माधव गोरिया मठ की तरफ से एवं श्री गुरुदेव भक्तिधाम नारायण गोस्वामी महाराज की कृपा से और श्रीपाद भक्तिधाम सिद्धांति महाराज जी के अनुगत में बहुत ही भव्य रूप से राधाष्टमी के उत्सव को मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर रूप से, इतना सुंदर हॉल बुक किया है, इतना सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत सुंदर राधाष्टमी के। तो आइए, मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दूंगा, पहले आपको जहाँ पर प्रोग्राम होगा उसका दर्शन कराते हैं। दिखाने श्री राधे, ये वो हॉल है, ये वो भव्य हॉल है जहाँ पर श्रीमती राधा रानी का उत्सव हम करेंगे। देखिए, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, श्री राधा माधव गौड़िया मठ फरीदाबाद की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राधाष्टमी का ये पर्व बड़े धूमधाम से और बड़े भव्य आयोजन के माध्यम से किया जा रहा है। बड़ी सुंदर कीर्तन कथा और प्रसाद की व्यवस्था है। मैं आप सब से प्रार्थना करता हूँ, आप बिना संकोच के अपने मित्रों को, परिवारजनों को और अपने संबंधियों को लेकर राधाष्टमी के इस पर्व पर यहाँ पर आने की कृपा करें और हमको अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। मेरी यही आप सबसे प्रार्थना है, आप अवश्य इस राधाष्टमी के कार्यक्रम में फरीदाबाद में आए। हरे कृष्ण। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राधा जी के भजनों के द्वारा राधा जी का स्वागत किया जाएगा, अच्छी अच्छी बधाइयाँ गाई जाएगी अलग अलग भक्तों के द्वारा। उसमें मैं भी गाऊंगा, सब लोग गाएंगे, बहुत सुंदर रूप से भजनों का, बधाइयाँ का आपको सुनाए जाएंगे बड़े आनंद में, और सभी लोग आनंद से झूम के नृत्य करेंगे। और हरे कृष्णा, जैसे कि अभी आपने हॉल का दर्शन किया, बहुत सुंदर हॉल है ना, भव्य रूप से यहाँ तैयारी चल रही है राधाष्टमी की। और सच में आप सबसे प्रार्थना है, आप जरूर जरूर आइए, आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्रीमती राधा रानी का महाप्रसाद की व्यवस्था, वहाँ पूरा आपको दर्शन कराया, पूरा दिखाया कैसा है। और एक सबकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पार्किंग कहाँ करें। वासुदेव प्रभु, यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था करिए। अरे प्रभु जी, यहाँ तो वैले पार्किंग की व्यवस्था है, बताओ। वैले पार्किंग, खुला मैदान है, कोई टेंशन नहीं है, सभी भक्तों के लिए सुविधाजनक पार्किंग की व्यवस्था करी गई है, बताओ। और इससे बड़ी सुविधा और क्या करें आपके लिए। तो आप सबसे सच में हृदय से प्रार्थना है, आप सब आइए, राधा जी की कृपा पात्र बनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।